मनीष कश्यप के लिए एक और बुरी खबर है। मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज हो गया है। मनीष कश्यप की मुसीबत बढ़ाने वाला यह एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं कराया है। ना तो तमिलनाडु की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाया है और ना बिहार की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया है। यह एफआईआर दर्ज कराया है उन प्रवासी मजदूरों ने जिनसे मनीष कश्यप ने इंटरव्यू लिया था। जी हाँ, और मनीष कश्यप को परेशान करने वाली ये खबर इसलिए है, मनीष कश्यप की परेशानियों में इजाफा करने वाली ये खबर इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है मनीष कश्यप की मामले की, अब उस मामले को यह नया एफआईआर प्रभावित कर सकता है। पहले हम आपको बता दें कि ये मामला क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो क्या है, उसे कैसे प्रभावित करेगा। दरअसल तमिलनाडु के कुछ प्रवासी मजदूरों ने मनीष कश्यप के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाया है। इन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि 4 मार्च को मनीष कश्यप चेन्नई आए थे और मनीष कश्यप ने इन मजदूरों का इंटरव्यू लिया था और ये मजदूर जो कहना चाहते थे, ये श्रमिक जो कहना चाहते थे, मनीष कश्यप ने वो नहीं दिखाया, वो इन्होंने कहा पर दिखाया नहीं। फिर मनीष कश्यप ने इनको बरगलाया, इनके शब्दों में जो मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने इन लोगों को बरगलाया, अपने हिसाब से बयान दिलवाया और फिर उस बयान को अपने चैनल पर प्रसारित किया। इन मजदूरों का कहना है कि एक जगह से ये खबर आई थी कि मारपीट की एक घटना हुई थी, लेकिन ये घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना इसको करके दिखाया गया। अब ये नया मामला दर्ज हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है मामला वो आपको बता देते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों में, विशेष तौर पर बिहार और तमिलनाडु में, कई मामले दर्ज हो गए हैं मनीष कश्यप पर। कहा जा रहा है कि 5 मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि उनके तमाम मामले एक जगह पर आ जाए, क्योंकि सारे केस का नेचर एक ही है। और इस मामले में पहले भी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, 21 अप्रैल की तारीख थी। 21 अप्रैल को इस बात पर सुनवाई होनी थी कि क्या मनीष कश्यप के तमाम मामलों को एक जगह पर कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो नया केस हुआ है, इस केस का नेचर अलग है, इस केस की प्रकृति अलग है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो 21 तारीख को जो सुनवाई होनी है मनीष कश्यप के मामले की, जब मनीष कश्यप के विरोधी जो वकील हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है कपिल सिब्बल का, जो तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हो रहे हैं, अगर वो जाकर के इस केस की जानकारी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन कुछ भी हो सकता है। ये मनीष कश्यप की मुसीबत को बढ़ा भी सकता है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो, फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया। उनको पहले बिहार की पुलिस ने हिरासत में लिया गया, उसके बाद वो तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में चले गए। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई की जेल में बंद है और उन पर NSA लगा दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से केस दर केस लगातार मनीष कश्यप उलझते जा रहे हैं, मनीष की ये उलझन जल्दी सुलझने वाली नहीं है। मनीष कश्यप को कम से कम, बहुत अगर तेजी से भी कानूनी प्रक्रिया चली तो उनको 1 साल तो अंदर रहना ही होगा। मनीष कश्यप ने कितना बड़ा अपराध किया है या नहीं किया है, यह देखना तो कोर्ट का काम है, यह तय करना तो कोर्ट का काम है। लेकिन जिस तरीके से आज और एक FIR दर्ज हुई है और वो भी मजदूरों के द्वारा दर्ज कराई गई है, वो अब मनीष कश्यप की परेशानियों को बढ़ाएगा, क्योंकि इन मजदूरों ने कहा है कि उस वक्त हम लोग बहकावे में आकर हम लोगों ने मनीष कश्यप के चैनल पर इंटरव्यू दे दिया और इन्होंने कहा है कि वो बहकाने वाले मनीष कश्यप ही थे। फिर हमारी अंतरात्मा जागी, हमें अपने गलती का एहसास हुआ, जिस तमिलनाडु की हम रोटी खाते हैं, जिस तमिलनाडु में हमारा जीवन यापन हो रहा है, उस राज्य में हमने उस राज्य के बारे में गलत बोला और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हम FIR दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में अब मनीष कश्यप का क्या होगा, ये 21 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद ही पता लग सकेगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया मनीष कश्यप के साथ क्या होगी। बिहार से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों और घटनाओं के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।